पहले मैं चीप पब्लिसिटी कर रही थी टॉर्चर करेंगे कम टॉर्चर पहले ही हुए हैं क्या छोड़ के भी अब टॉर्चर हो तो टाइम पर नहीं आती थी या डिसिप्लिन नहीं थी मालव से मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप था मस्ती अस्ती करते थे मोनिका से बहुत कम ये है इतना दोस्ती क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं इतनी, इतनी ज़्यादा हमारा शूट ही नहीं हुआ बट शी वॉज अ वेरी स्वीट गर्ल बहुत ऑनेस्ट थी बहुत एकदम फ्रैंक थी तो ये सब जो लोग जब सामने आए तो अब तीन दिन पहले सोहेल का स्टेटमेंट आया है तो उसमें बोला गया है कि जेनफर तो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी मैं तो उससे हीलिंग कराता कर था मैं तो उससे टैरो कराता कर था और मेरे से सब सीक्रेट शेयर करती थी तो मतलब ये सडनली अभी पहले मैं चीप पब्लिसिटी कर रही थी अभी मैं एकदम हीलिंग और ये हो गई तो सच कौन सा है आप खुद सोचो सच कौन सा है ना कि तो बात यही है कि वो जो पूरी पहली बात उनको फिर अगेन लगा कि हम ये बात फैलाएंगे हर्षद मालव और हर्षद ऋषि और अरमान का स्टेटमेंट लेके ये बात फैलाएंगे तो ये चुप हो जाएगी अब उनको नहीं मालूम था सामने से सा और पत्ते खुल जाएंगे ये वाला गड़बड़ हो गई तो सेवन्थ को क्या हुआ मैं बताती हूँ तो उसमें ये था कि मैं मैं ही बोलूँगी कि देखो क्या होता है ना यूनिवर्स हमेशा आपका एक बैकअप रखता है कहीं ना कहीं मुझे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मालूम मेरे लिए बोलेगा ही वॉज़ द फर्स्ट वन टू कम अप एंड आई वॉज लाइक जिस दिन उस ये आया मैंने मालव को फ़ोन किया मैंने कहा मालव थैंक यू मुझे बहुत रोना आ रहा था मालव ने बोला मैम मुझे और देखो ना मैं आपके साइड हूँ ना मैं आसित मोदी की साइड हूँ बट तो आप जो आपके बारे में गलत फैला रहे हैं बातें मुझे सिर्फ उसका बोलना था और कुछ नहीं मैंने आपको कभी नहीं देखा आप इंडिसिप्लिन डिसऑर्गनाइज हो लेट आप कभी कभी आते थे लेकिन आप मेकअप करके आते थे तो मैं उसको बोलती थी देखते तू कॉल टाइम मेरा साढ़े आठ बजे है ना तू साढ़े नौ से पहले सीन नहीं स्टार्ट करेगा ना मैं साढ़े नौ आऊँगी विथ मेकअप विथ है आऊँगी मैं घर से करके आऊँगी दैट टाइम आई विल बी स्पेंडिंग विद माई डॉटर मैं वहाँ बात डॉक्टर से बात करते करते मेकअप कर लूँगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तेरा भी सफर नहीं हुआ मेरा सफर नहीं। तो वो करता था हमेशा एडजस्ट इस तरीके से क्या मेरे को क्या है आप मेरे को तैयार मिलो तो इस तरीके से वो जैसे सामने आया प्रिया ऑफकोर्स प्रिया इज़ अ वेरी ट्रुथफुल गर्ल हमेशा से हाथ सॉफ्ट मतलब मैं उसको हमेशा बोलती थी कि यार मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है प्रिया हमेशा ऐसे स्टैंड होती थी अपनी सब चीज़ों के लिए तो वो बहुत अच्छी बात थी मोनिका बहुत फ्रैंक थी उसने तो एक बार सबके बीच में हमारी मीटिंग चल रही थी उसने आशिष जी को बोल दिया था कि अपना बहुत चालू हो और हम सब हंस रहे थे हम सब बहुत हंस रहे थे क्योंकि कभी कोई बोल नहीं पाए और उसने एकदम ऐसे फ्रैंकली बोल दिया फिर आसिफ जी भी पहले एम्बेस हुई फिर हंसी में उन्होंने उड़ा दिया फिर बाद में उसको बहुत सुनाया गया था कि तो क्या पहले तो हर्षद सर के पास गई मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला मैंने कहा सर जो भी भूल चुक हो गई माफ़ करना मैं घर जा रही हूँ बोले अरे नहीं ऐसा ऐसा मत कर मैंने कहा सर अगर मैं नहीं गई ना तो आई विल कमिट सुसाइड मैंने कहा कभी मेरे से नहीं सहन हो रहा है मैं ये बोल के निकली हूँ और उन्होंने तब तक जतिन को फ़ोन कर दिया होगा मैं रूम में आई सामान पैक किया मैं जतिन को फ़ोन करने गई तो उसका फ़ोन एंगेज था हर्षद सर बोल रहे होंगे उसको देन आई जतिन का उसके बाद फ़ोन आया कि मैम मैम रुको मैं आ रहा हूँ मैंने कहा नहीं जतिन आई इन वेट बोले मैम मैं आ रहा हूँ बस पाँच मिनट रुको तो मैं पाँच सात मिनट उसका वेट किया वो नहीं आया तो मैं निकलने लगी तो कार से निकल रही थी और आया मैं कार में गुस्से में जाकर बैठी तो मैंने कहा अभी मत रुक जतिन मेरे को जाने दे मैं दो बजे चाहिए तो आ जाऊंगी मैंने कहा मत रुक मेरे को तो बोले कि अरे रुको मैम ऐसे नहीं जा सकते आप सेट छोड़ के नहीं जा सकते उसने सोहेल को तो फोन लगाया मैं कार पीछे करने लगी तो वो मेरी कार के पीछे ऐसे आके खड़ा हो गया ऐसे कार से टिक के ऐसे करके खड़ा हो गया और ऐसे करके बात करने लगा मैं बोली जतिन जतिन मेरे को जाने दे जतिन मेरे को जाने दे नहीं जाने दे रहा मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहा बात कर रहा मेरे को मैंने जतिन जाने दे नहीं तो उतनी देर में उसने चिल्लाया गेट बंद करो गेट बंद करो इनको बाहर नहीं जाने देना तो वॉच में तुरंत गेट बंद कर दिया तो मैंने कहा जतिन हट जा तो वो आया पहले पहले, पहले आप सोहेल भाई से बात करो तो मैंने सोहेल को बोला मैंने वो सोहेल बोला क्या हो गया क्या हो गया तो मैंने बोला कि सोहेल मैंने और सोहेल को भी मैंने एक दिन पहले बताया था कि मैंने ऋषि को बोला है कि दो बजे मुझे इन टाइम चाहिए है तो उसने बोला हाँ अगर डायरेक्शन टीम को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरी अच्छी बनती थी उससे कोई ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं था तो उसको भी मालूम था तो सोहेल सोहिल बोला आप रुको मैं आता हूँ मैंने कहा सोहेल मैं अब नहीं रुकूंगी मैंने कहा इट्स ऑलरेडी एलेवन फोर्टी फाइव मुझे घर जाते जाते वहाँ स्टेन पवाई मुझे साढ़े बारह बजे गए एक बजे तक तो होली आधा घंटा आई नीड फिति माई डॉटर यार तो नहीं रुको करके उतनी देर में जतिन को मैं हट जा करके मैं मैंने कार पीछे की तो मे भी थोड़ा सा वो बैंग हुई क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो वो डर गए कि दरवाज़ा को कुछ होगा मेरी कार को कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं हुआ है उनके बैंग ठीक है सारा सी कैमरा में रिकॉर्ड है फाइनली उन्होंने गेट खोला मैं निकली और बाहर सोहेल आया सोहेल ने गुस्से से मेरी कार का साइड वाला दरवाजा खोला बहुत एंग्रीली ऐसे खोला उसने क्या ना टक्कर रही हो अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ मतलब वहाँ मेरी सटकी मैंने ला ये तू क्या करे करे तू क्या करेगा मेरा साढ़े तीन महीने का पैसा रोकेगा रख दान है नीला टेलफिल्स को मेरी तरफ से और क्या करेगा मेरे को रिप्लेस करेगा आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन इन प्रेगनेंसी मैंने बोला और तेरा जो कंटिन्यूटी का शूट अटका है ना आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहाँ उसको लगा इसके लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका ईगो हट हो गया तो से उसने मेरी कार का दरवाज़ा बंद किया ही शाउटेड ऑन टॉप ऑफ इस वाइल्ड गेट आउट गेट आउट चार बार चलाया रिप्लेस करो उनको ऐसे करके मैं निकल गई उन लोगों के अंदर चलेगा और ये सब हमारे पूरा पूरा कास्ट क्रू मेंबर सब खड़े होकर देख रहे थे किसी ने कुछ नहीं कहा कोई नहीं और दूसरा रीज़न ही नहीं है किसी के पास मैंने लास्ट गुरु भाई से बात की थी जो गुरुचरण सोडी जो तारक मेहता में सोडी भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैसे रोक रखे हैं और उनके फादर की फादर एडमिट हॉस्पिटल में बोलते है, मैं तो यहाँ बहुत बिजी हूँ फादर के साथ और पैसे मेरे भी रोक रखे हैं मैं उस छोड़ दूँ तो मैंने बोला छोड़ क्यों दोगे बोलते यार छोड़ दो जान दो कौन इतना आर्ग्यूमेंट करेगा इनसे ये इनसे पैसे लेना भी तो एक आर्ट है ना इतना फाइट कौन कर पाएगा तो सोचो आप किसी के पैसे शैले जी भी पैसे के लिए फ़ाइट कर रहे हैं हर बंदे के पैसे तो जब जब किसी ने साथ में आपके काम किया हुआ है आप उसके पैसे दे दो क्योंकि आपने कमिटमेंट किया सिंपल सी बात है आपको रोकने का मतलब ही क्या बनता है और हर हर बंदे का पैसा हर इंसान का पैसा रुकते हैं वो यही करते हैं वो एक एक साल तक नहीं देते हैं शैले जी ने तो खुद केस फाइल किया हुआ है खुद ही उन्होंने किया हुआ है कि उनको पैसे नहीं दे रहे हैं वो बाकी गुरु भाई का मुझे पता ही है उनके पैसे भी रुके थे भावे के भी साथ वैसा कुछ हुआ था सबके साथ लगभग ऑलमोस्ट वो यही करते हैं बोलता कोई नहीं है और बहुत कम लोग बोलते हैं जैसे जेनिफर जी बोल रही हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा आपने जी से पूछ ली जा के वो भी कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि सबको यहीं काम करना है ना इस इंडस्ट्री में आप आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो और इट मीन्स फिर वो भी तो आपके आपको टॉर्चर करेंगे कम टॉर्चर पहले ही हुए हैं क्या छोड़ के भी अब टॉर्चर हो तो क्या मतलब है छोड़ना क्या रीज़न तो यही था ना कि वहाँ से बस बच सके उन चीज़ों से और वही चीज़ें फिर वापस से हो रही हैं। मोनिका के साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है को हमारे ट्रैक्स हमारे कैरेक्टर्स ऐसे थे कि मोनिका यूजअली यू नो दुकान के सीन्स में होती थी या उनका बागा भाई के साथ जो कैरेक्टर है बागा का उनके साथ आता था आ, सोसाइटी में मोनिका बहुत कम आई है एज सच जहाँ पे मैं होती थी तो आ, जो भी मुलाकात हुई हमारी आ, या तो किसी स्पेशल इवेंट पे हुई जब सोसाइटी में कोई इवेंट होता था या फिर तारक मेहता का कोई पर्सनल सेलिब्रेशन होता था तब आ, हमारी मुलाकात हुई है तो ऐसे मौके पर यूजली आप कभी कुछ डिस्कस नहीं करते हो तो मोनिका और मैं इतने अच्छे दोस्त कभी नहीं बन पाए एज सच कि वो मुझे शायद अपनी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बताते जेनिफर डेफिनेटली मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आ, आ, लेकिन हाँ इस मामले में भी उसने मुझे कभी बताया नहीं आ, तो मैं शुरू से अपनी यही बात कहती आई हूँ कि सेक्सुअल हारसमेंट के बारे में मुझे नहीं पता है जो दूसरे एलिगेशन्स हैं कि जैनी टाइम पर नहीं आती थी या डिसिप्लिन नहीं थी या फिर वो एब्यूजिव थी तो ये बातें मेरे हिसाब से तो कम्प्लीटली गलत है मेरे सामने चैनी ने कभी किसी से गाली देकर बात नहीं की वो पूरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट थी फ्रॉम कैमरामैन टू एक्टर्स टू स्पॉट दादा टू एवरी वन शी वॉज़ वेरी वेरी स्वीट